हेलो दोस्तों, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो चलिए बात करते हैं रिमोट प्रोसीजर कॉल की इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। सो व्हाट इज रिमोट प्रोसीजर कॉल? इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक फॉर कंस्ट्रक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशंस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि रिमोट प्रोसीजर कॉल ऐसी टेक्निक है जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती है एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन क्लाइंट सर्वर। दैट इज, इसमें एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, जिसके बीच में कम्युनिकेशन होता है और उस कम्युनिकेशन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में रिमोट प्रोसीजर कॉल हेल्प करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सटेंडिंग द कन्वेंशनल लोकल प्रोसीजर कॉलिंग सो दैट द कॉल्ड प्रोसीजर नीड नॉट एग्जिस्ट इन द सेम एड्रेस स्पेस एज द कॉलिंग प्रोसीजर। तो ये जो हमारा आरपीसी का टेक्निक है, ये किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सटेंडिंग द कन्वेंशनल लोकल प्रोसीजर। जो पहले लोकल प्रोसीजर में क्या होता था कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर को कॉल करना है तो दैट प्रोसीजर शुड बी प्रेजेंट इन द सेम एड्रेस स्पेस, लेकिन आरपीसी दैट इज़ रिमोट प्रोसीजर कॉल में ऐसा नहीं होता है। ये एक्सटेंड करता है इस पहले कन्वेंशनल मेथड को, ताकि ये ज़रूरत ना पड़े कि अगर आपको किसी भी प्रोसीजर को कॉल करना है तो उस प्रोसीजर को एक पर्टिकुलर सेम एड्रेस स्पेस में प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, ओके। It can call any procedure which is placed or located remotely. So that's what it is written over there. The two processes may be on the same system or they may be on different system with a network connecting them. तो दो प्रोसेस जिनके बीच में कॉलिंग का प्रोसेस या फिर कम्युनिकेशन का प्रोसेस होने वाला है, उनको सेम सिस्टम पे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सेम सिस्टम पे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर वो डिफरेंट सिस्टम्स में भी हैं तो भी नेटवर्क के थ्रू दे कैन कनेक्ट एंड दे कैन कम्युनिकेट। सो दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिमोट प्रोसीजर कॉल। इसमें हम ये मेक श्योर करते हैं कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो एंड बीइंग ऑन द सेम local area or local same address space is not required. They can be located on the different systems or they can be located on the same system. They can communicate remotely. So yeah, this was all about remote procedure call. आने वाले videos में मैं working की भी बात करूँगी RPC के, और what is the process involved in RPC, their advantages, their disadvantages, issues in RPC. So one by one I'll talk about each and every टॉपिक। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।